हेलो दोस्तों, यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एजुकेशन का ये फिफ्थ पार्ट है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस क्या है और कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ग्रुप है जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जो ऐसी लैंग्वेज में होते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET एक्सेट्रा। आमतौर पर सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में मदद मिल सकें। ये यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं जिससे यूज़र सिस्टम को आसानी से चला सकता है। ये सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम हैं जिन्हें कंप्यूटर खुद से मैनेज करता है। ये सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और हार्डवेयर को यूज़ करके उसे मैनेज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर में फाइल, मेमोरी, हार्डवेयर को मैनेज करना और दूसरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक और एंड्रॉयड एक्सेट्रा। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर रन होते हैं। इन्हें किसी एक तरह के टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आसानी से चल सकता है, पर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं। फिर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स और एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये यूजर को उसका टास्क पूरा करने में मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउजर्स जैसे कि क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, iTunes, VLC मीडिया प्लेयर वगैरह। कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर को HW भी कहा जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में सर्किट बोर्ड, IC और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं मदरबोर्ड। ये हार्डवेयर कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसे देखने के लिए आपको कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। ये एक बोर्ड है जिसको PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। ये बोर्ड कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स को पकड़ के रखता है और वो सारे कंपोनेंट्स हैं CPU, RAM, हार्ड डिस्क, SMPS पोर्ट, ग्राफिक कार्ड वगैरह। हार्डवेयर का सेकंड एग्जांपल है ग्राफिक कार्ड्स। ये हार्डवेयर कार्ड के जैसा दिखता है, इसे मदरबोर्ड में इंसर्ट किया जाता है। ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल मॉनिटर पे इमेज रेंडरिंग या प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ये डेटा को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है और सिग्नल्स जनरेट करता है जिसे आपका मॉनिटर आसानी से समझ जाता है। जितना बेहतर ग्राफिक कार्ड होगा उतनी ही अच्छी इमेज प्रोड्यूस होती है। गेमर्स और वीडियो एडिटर लोगों के लिए ग्राफिक कार्ड होना बहुत जरूरी होता है। ये मदरबोर्ड में लगाया जाता है और इसका साइज एक चिप के जैसा होता है। हार्डवेयर का थर्ड एग्जांपल है साउंड कार्ड। इसका दूसरा नाम है ऑडियो आउटपुट डिवाइस, साउंड बोर्ड और ऑडियो कार्ड। हार्डवेयर का फोर्थ एग्जांपल है SMPS। SMPS हार्डवेयर का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और कुछ हार्डवेयर हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, CPU, हार्ड डिस्क ड्राइव, DVD ड्राइव वगैरह। चलिए यहाँ पर मैं आपका प्रैक्टिकल रिवीजन करा देता हूँ। कंप्यूटर के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उन पार्ट्स को कहा जाता है जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कीबोर्ड है, इसको मैं छू भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। यहाँ पर ये माउस है, इसको मैं छू भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। यहाँ पर ये मॉनिटर है, इसको भी मैं देख भी सकता हूँ और छू भी सकता हूँ। नीचे यहाँ पर ये स्पीकर है और साथ ही यहाँ पर ये CPU है। तो ये ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें मैं छू भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। तो इन्हें कहा जाता है हार्डवेयर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है जैसे कि विंडोज। यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर विंडोज को इंस्टॉल न करता तो मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकता। तो पहले मैंने यहाँ पर विंडोज 10 को इंस्टॉल किया है। तो विंडोज 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
इसी तरीके से अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसमें एंड्रॉयड होगा या फिर iOS होगा। तो ये एंड्रॉयड iOS ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास ब्राउजर है, तो ब्राउजर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए बनाया गया है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर मेरे पास और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैमटेसिया है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोटोशॉप है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये फर्क होता है कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं अपने कंप्यूटर से विंडोज को डिलीट कर दूं, फॉर्मेट कर दूं, तो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशंस हैं सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी रन नहीं करेगा। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चल सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये एप्लीकेशंस हैं, अगर मैं इनको सबको डिलीट कर दूं तब भी ये मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। तो कंप्यूटर के टू पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर उन पार्ट्स को कहा जाता है जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और सॉफ्टवेयर उन पार्ट्स को कहा जाता है जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। और सॉफ्टवेयर भी टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि फोटोशॉप को बनाया गया है एडिटिंग के लिए, VLC मीडिया प्लेयर को बनाया गया है वीडियोस देखने के लिए, ब्राउजर को बनाया गया है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तो ये किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि लोग तेजी से इस चैनल से जुड़ रहे हैं, और जितने ही लोग जुड़ेंगे मुझे नए नए वीडियो और नए नए इमेजेस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की की क्या है, कीबोर्ड में कितने की होते हैं, और इन कीयों का काम क्या होता है, और शॉर्ट कीज क्या होते हैं।